Hi friend, welcome to Let's Drink. This cocktail is called Old Fashioned cocktail. It is a classic cocktail with a very strong flavor of whiskey. It's combined with bourbon whiskey, which is actually an American whiskey, and with Angostura bitters and sugar with a lot of ice. So watch this video properly and enjoy the drinks. दोस्तों लेट्स ड्रिंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय है। दोस्तों आज हम बनाएंगे एक बहुत सुंदर कॉकटेल जो विस्की बेस है और उसका नाम है ओल्ड फैशन्ड। ये एक क्लासिक कॉकटेल है। ये कॉकटेल को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का जरूरत है और एकदम आसान एक स्टीयर कॉकटेल है। चलिए दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं हाउ टू मेक Old Fashioned cocktail। वेलकम बैक दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू मेक ओल्ड फैशन कॉकटेल। ये कॉकटेल एक क्लासिक कॉकटेल है और इस कॉकटेल को बनाने के लिए आपको चाहिए बबन विस्की यानी जैक डैनियल्स। अगर आपके पास बबन विस्की नहीं है तो शायद ये कॉकटेल बनाना ठीक नहीं होगा। बबन विस्की का कुछ क्राइटेरिया है जो इस कॉकटेल के लिए स्वीटेबल है। बबन विस्की एक्चुअली बनता है कॉर्न से और ये जो कॉर्न से बनता है ना, इसलिए ये जो विस्की है थोड़ा सा स्वीट है और ये इस कॉकटेल के लिए इसीलिए अल्टीमेट है। अगर आपके पास जैक डैनियल नहीं है आप जिम बीम ट्राई कर सकते हैं और ऐसे मेकर्स मार्क भी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, मगर स्कॉच से बनाना ठीक नहीं होगा। तो बबन विस्की पहले, मैं तब तक थोड़ा सा साइड इसको कर देता हूं। उसके बाद आपको चाहिए अंगुस्तरा बीटर्स। अब दोस्तों अंगुस्तरा बीटर्स एक वाइटल रोल प्ले करता है यहाँ पर। ये बीटर्स एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली है वर्माउथ। ये बनता है दोस्तों डार्क राम से और इसमें बहुत सारा हर्ब रहता है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज मैं आपको एक सब्स्टिट्यूट भी थोड़ा बहुत बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि इसको कैसे आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो आज ये भी बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। पास हम लोग लेंगे या हम लोग को चाहिए कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर जो है ये बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने में होते हैं। कभी कभी ओल्ड फैशन में क्यूब भी यूज़ किया जाता है, जैसे शुगर का क्यूब्स होता है तो आप क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। एक क्यूब्स इनफ। तो हम लोग हाफ टी स्पून ऐसा कुछ लेंगे और पास हम लोग लेंगे ऑरेंज गार्निश के लिए। एक्चुअली ये सिर्फ गार्निश नहीं है, ये कुछ और है। यानी ये जो है ऑरेंज, ये इस कॉकटेल में एक अलग सा ट्विस्ट देगा, अलग सा फ्लेवर ऐड करेगा ये ऑरेंज। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं कि क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपको एक ग्लास जो होगा ओल्ड फैशन ग्लास और इस एंटायर ड्रिंक्स को हम लोग ओल्ड फैशन में सर्व करेंगे क्योंकि ये जो कॉकटेल है ओल्ड फैशन नाम ही है इसका। ओल्ड फैशन ग्लास का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, थोड़ा सा भारी किस्म का होता है, ये मैनली फील देता है और ये एंटायर ड्रिंक्स हम लोग इसी ग्लास में सर्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसमें देंगे शुगर जो देंगे हम लोग देंगे हाफ टी स्पून। ये इतना शुगर काफी है हम लोगों के लिए। अभी दोस्तों हम लोग इसमें डालेंगे अंगुस्तरा बीटर्स। पहले मैं आपको बोल चुका हूं कि दिस इज कॉल्ड अंगुस्तरा बीटर्स। ये एक एरोमेटिक बीटर्स है। दोस्तों पहले मैं बोल चुका था कि अंगुस्तरा बीटर्स जो है यहां पर जाएगा 2 डैश। अंगुस्तरा बीटर्स जो है त्रिनिदाद से बिलोंग्स करता है। त्रिनिदाद जो टोबैको त्रिनिदाद जो है वहां से बिलोंग्स करता है। ये एक रम बेस बीटर्स है और इसमें बहुत सारा हर्ब्स रहता है और इतना सीक्रेट है कि इसका सब्स्टिट्यूट अब तक निकला ही नहीं है। तो इसका सब्स्टिट्यूट अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर थोड़ा सा क्लोव और लिटिल बिट ऑफ डार्क क्रम आप इसमें यूज कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सब्स्टिट्यूट हुआ मगर उतना अच्छा फ्लेवर आपको शायद नहीं मिलेगा। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अंगूस्ता बिटर्स ही आप यूज करें, नहीं है तो अलग बात हो सकता है। तो दोस्तों मैं अंगूस्ता बिटर्स दूंगा 4-2 डैशेस, तो मैं 2 डैशेस राइट। अभी हम लोग इसको डिसॉल्व करने का कोशिश करेंगे। डिसॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ये अगर जितना इसको हम लोग ट्विस्ट करेंगे ये शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, मगर इसमें अगर हम 2 क्यूब आइस देंगे तो ये भी और भी बहुत अच्छा हो सकता है, जल्दी डिसॉल्व हो सकता है। ये बहुत एसेंशियल है इसको डिसॉल्व करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 क्यूब आइस देंगे और इसको हम लोग कोशिश करेंगे डिसॉल्व कराने के लिए। इसमें क्या होगा, शुगर को डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब तक डिसॉल्व ना हो जाए, यानी ठीक तरह से घुल मिल ना जाए, तब तक आपको कुछ देना नहीं चाहिए। देखिए आहिस्ता आहिस्ता शुगर जो है डिसॉल्व हो रहा है, ध्यान करिए ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुका है। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैक डैनियल व्हिस्की को देंगे, जैक डैनियल व्हिस्की यानी बॉबन व्हिस्की, और देंगे हम लोग 60 ml, बिकॉज इसमें कोई अलग सा लीकर जा नहीं रहा। हम लोग इसको 60 ml जैक डैनियल्स की देंगे। अब फिर हम लोग उसको थोड़ा सा स्टीयर करेंगे, थोड़ा सा अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइस देंगे, सॉरी और फिर हम लोग इसको अच्छा करके स्टीयर करेंगे। मैं अक्सर देखा हूं कि इसमें ऑरेंज पील देकर मॉडल किया जाता है, कभी कभी क्लोव को देकर के मॉडल किया जाता है। ये क्लासिक कॉकटेल के लिए सही नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसा मत करें। ये क्लासिक कॉकटेल को जो जो थ्योरी अप्लाई किया गया है उसी हिसाब से इसको बनाइए, इसको कभी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मेरा कॉकटेल ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं इसमें और थोड़ा सा आइस ऐड करूंगा। अब दोस्तों हम लोग लेंगे ऑरेंज, और ये एक वाइटल पार्ट है इस कॉकटेल को सही ढंग से बनाने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक ऑरेंज का पिल, जो हम लोग यहां से पिल कर लेंगे। दोस्तों ये जो पार्ट है, ये पार्ट कॉकटेल को अनोखा एक ट्विस्ट देगा। जैसे मैं अभी यहां पर क्या करूंगा, थोड़ा सा स्प्रे करूंगा, ऐसे स्प्रे करूंगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल जो है, इसका जो एसेंशियल ऑयल है वो इस कॉकटेल में डायरेक्ट जाएगा और जाके इसको एक अलग सा टेस्ट देगा। और ये जो है, ये साइड में हम लोग इसको थोड़ा सा रब कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, एक ऑरेंजी फील आएगा, जो भी गेस्ट या कोई आपका रिश्तेदार या फ्रेंड्स जब पिएगा। और इसको हम लोग फिर इसको ट्विस्ट करेंगे। आप जानते हैं इसका पावर कितना है, ये एक्सट्रीम पावरफुल है। दोस्तों हम लोग ये ऑरेंज का एक टुकड़ा या छिलका, अगर एक ग्लास ऑफ वाटर, पूरा एक फुल ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें हम लोग थोड़ा सा स्प्रे करेंगे ना, आप ध्यान करिएगा, छोटा सा छिलका का जो थोड़ा सा ऑयल उसमें जाएगा, पूरा ग्लास का जो पानी है वो ऑरेंज फील देगा, ऑरेंज का फ्लेवर दे देगा। इतना पावरफुल है ये इसका फ्लेवर। तो मैंने ये ऑरेंज का एक टुकड़ा इसमें दे दिया, जो आपको एक अलग ट्विस्ट देगा इस कॉकटेल में। हालांकि ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है, इसको हम लोग ट्विस्ट नहीं कर सकते। तो यही था दोस्तों आज का कॉकटेल। होपफुली ये कॉकटेल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लेट्स ड्रिंक को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे की वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बिल को टच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, इस चैनल की सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए कॉकटेल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।